हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट्स के 23। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेडियम प्लांट की। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास दो कैलेडियम के प्लांट हैं। एक है जिसमें व्हाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं और एक दूसरा कैलेडियम है जिसमें व्हाइट एंड रेड स्पॉट्स हैं। तो ये वाला है हमारा दूसरा। आज हम बात करेंगे इनकी विंटर केयर की। तो जैसे आप देख रहे हैं, मेरे कैलेडियम के प्लांट्स जो हैं उनकी जो पत्तियां आप देख रहे हैं किस तरह से इनके कलर फेड हो गए हैं, कलर थोड़े हल्के हो गए हैं और ये पत्तियां इस तरह से सूख गई हैं। तो ये इनके विंटर जो शुरू हो गया है, तो इनका जो है रेस्टिंग पीरियड शुरू हो गया है। अगर आपके कैलेडियम के प्लांट में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो विंटर्स में ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अब इनका रेस्टिंग पीरियड है। अब इनके प्लांट्स जो कैलेडियम के प्लांट्स हैं उनके कुछ नए बर्ड्स भी आए हैं, नए प्लांट्स भी आए हैं। इसमें क्या होता है कि इनके जो पत्ते होते हैं इस तरह से मुरझा जाते हैं और झुक जाते हैं, सूख जाते हैं। धीरे धीरे पूरे पत्ते जो इसके कैलेडियम के इसी तरह से हमारे सूख जाएंगे और फिर हम इनके जो बल्ब हैं उनको स्टोर रखेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, हल्का कलर भी फेड हो गया है, पानी उसको प्रॉपर दिया जा रहा है। फर्टिलाइजर प्रॉपर देने के बाद भी अगर आपके प्लांट में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो ये आपका इनका विंटर रेस्टिंग पीरियड का सिग्नल है। तो हम जब ये पूरे इसके पत्ते इस तरह से हो जाएंगे फिर हम इनके बल्ब्स निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे प्लांट्स में अभी पत्ते हुए कलर है तो इस वजह से मैं नहीं निकाल रही हूँ। आपके प्लांट्स में अगर पत्ते पूरी तरह से वो हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो आप इनके बल्ब्स निकाल कर किसी सूखी जगह में स्टोर करके रखिए और फरवरी में आप दोबारा से इसमें जो है इन बल्ब्स को लगाकर दोबारा से कैलेडियम जो है लगा सकते हो। क्योंकि फरवरी में हम कैलेडियम को दोबारा से लगाते हैं, क्योंकि समर में होने वाला ये हमारा ब्यूटीफुल प्लांट है। तो देख रहे हैं पत्ते, कुछ नए बर्ड्स भी आए हैं, कुछ नए, ये देखिए, तो कुछ पत्ते बिल्कुल इस तरह से फेड हो चुके हैं। तो आप इस तरह से कीजिए, आपने कैलेडियम का अगर आपके पत्ते पूरी तरह से खराब हो चुके, खत्म हो चुके हैं, तो उनको आप खोद कर उसमें जो बल्ब्स होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, उनको निकाल कर किसी ऐसी जगह स्टोर रखिए। पहले तो उसे थोड़ा सा हल्का लाइट धूप में सूखने दीजिए, क्योंकि गीले बल्ब्स आप नहीं रखेंगे वो खराब हो जाएंगे। हल्का सा सूख जाए उसके बाद उसे राख में या फिर चारकोल जो होता है उसमें किसी कागज में रैप करके रखिए, जिससे कि वो खराब ना हो। तो यही केयर थी हमारे कैलेडियम की विंटर केयर की। आप अपने कैलेडियम के बल्ब्स को बचा के रखिए और फरवरी में आप दोबारा से इन्हें लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।